700 लोगों का परिवार खड़ा कर दिया भाई ने, क्या कहते हो आप लोग? उस बंदे के 12 बीवियां हैं, 102 बच्चे हैं और 578 पोते पोतियां हैं। ओह माय गॉड भाई साहब, ये मुंह पे ही कर देते हैं। अभी थोड़ी देर में पूरा गांव इकट्ठा हो जाना है, यहाँ पे निकलते हैं अभी यहाँ से। पूरे के पूरे गांव का पॉपुलेशन नहीं होता इतना जितना मूसा असाया कसेरा का परिवार का पॉपुलेशन है। डू यू नो योर ऑल चिल्ड्रंस नेम? कुछ खाली पड़े हैं, कुछ कुछ के ताले लगे हैं, कुछ कुछ में लोग रहते हैं। एक सौ दो बच्चे और 568 नाती पोते हैं। मेरी 12 बीवियां हैं, इस तरह अब मेरे 98 बच्चे हैं। इन 98 बच्चों ने 578 बच्चे पैदा किए। I gave birth to 98 children with... Good morning guys, welcome back to our YouTube channel The Indo Trekkers. और अभी मैं हूँ युगांडा की कैपिटल कंपाला में। यहाँ से आज मैं जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से 200 किलोमीटर, लगभग 210 किलोमीटर दूर एक सिटी अम्बाले। अम्बाले से पहले एक और छोटा सा टाउन पड़ता है नाबुआ। नाबुआ से एक घंटे अंदर मुझे बाइक लेनी पड़ेगी बुगीचा। अब बुगीचा मैं इसलिए जा रहा हूँ, वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली रहती है। एक बंदा है, उस महाशय का नाम है मूसा असाहया। उसके 12 बीवियाँ हैं, 102 के लगभग बच्चे हैं और 578 है ना जो उसके पोते पोतियाँ हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो भाई साहब इतनी बड़ी ऑलमोस्ट 700 लोग हैं एक फैमिली में, एक बंदे ने 700 लोगों का परिवार खड़ा कर दिया। तो यार ये तो मतलब क्यूरियोसिटी दिखी यार, एक बार उस बंदे को देखे, उस फैमिली को देखे और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि कैसा क्या है उस फैमिली का हालचाल। तो चलते हैं यहाँ से, अभी मैं बोर्डा वो टैक्सी लूँगा। टैक्सी लेके मुझे नहीं पता यार 3-4-5 घंटे कितने लगेंगे, यहाँ की टैक्सी का कोई भरोसा नहीं होता है। ये जो सामने टैक्सी खड़ी है ये लेके मैं जाऊँगा अम्बाले सिटी से, पहले एक नाबुआ टाउन है वहाँ पे। तो चलो ये टैक्सी लेते हैं सबसे पहले। हेलो ब्रदर, वेयर कैन आई सिट? बट दिस इज गोइंग डायरेक्ट, ओके? आई डोंट वॉन्ट टू चेंज ऑन द वे। डायरेक्ट? या आई विल नॉट चेंज। भाई साहब बोल रहे हैं कि 5 घंटे लगेंगे यहाँ से नाबुआ तक पहुँचने में। चलो ठीक है, 5 घंटे की जर्नी काफ़ी लंबी हो जाती है, वैसे 200 किलोमीटर की जर्नी है और 5 घंटे लग जाएंगे, तो कोई ना चलते हैं। और ये देखो ये कुछ हलचल ऐसी है यहाँ की सुबह सुबह। मेरे लिए तो इनकी हाइट ही ना कम पड़ जाती है, अभी देखो ये टच हो गया मैं पूरा का पूरा ऊपर। तो अपने थोड़े लंबे लोगों के लिए ना काफी दिक्कतें होती है। लेकिन आप लोग उस बंदे के बारे में सोचो यार, वो बंदा ना मतलब 700 लोगों का परिवार खड़ा कर दिया भाई, थोड़ा तो दुख जाता। कोई नहीं, चलो वहीं चल के आप लोगों को इसकी कहानी बताऊंगा, तब तक आप लोग ना इस जर्नी का मजा लीजिए। यहाँ के विलेजेस वगैरह, ठीक है, सीनरी वगैरह, रोड वगैरह, जो लाइफ स्टाइल वगैरह रास्ते में देखने को मिलेगी ना, आप लोग वो देखिए। 5 घंटे लोग बोल रहे थे लेकिन 1.5 घंटा तो इन लोगों ने कंपाला सिटी में लगा दिया। और मुझे ऐसे ही सफ़र करते हुए मतलब मुझे लगता है 6-7 घंटे का ही सफ़र हो सकता है। भाई साहब ट्रेवलिंग में क्या क्या सहन करना पड़ता है यार, क्या क्या झेलना पड़ता है। यहाँ पे मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, 3 लोगों की सीट है, इसमें से 3 लोग तो ये दोनों ही हो गए, ये 2-3 लोग ही बराबर हो गए और मैं यहाँ पे देखो ऐसे सिकुड़ के बैठा हूँ। यहाँ पे कहीं भी टैक्सी वगैरह रुकती है ना तो भीड़ लग जाती है, चारों तरफ बहुत जबरदस्त भीड़ लग जाती है। मतलब कुछ ना कुछ बेचने वाले, मतलब आपके मुंह के आजू बाजू में ही ला देंगे, ये देखो ये मुंह पे ही कर देंगे भाई, खा टोंस टोंस। ओह माय गॉड भाई साहब, ये मुंह पे ही कर देते हैं। अब ये देखो जस्ट मेरे मुंह के आगे ही है ये, भाई बाहर निकाल दे यार। अब ये कोई जिंजा सिटी है, हम लोग जिंजा सिटी से थोड़ा सा आगे आ गए हैं। जिंजा सिटी वैसे आप लोगों को पता होगा युगांडा में बहुत फेमस है।
काफी सारे छोटे छोटे सिटीज आ गए वैसे, लेकिन अभी तक पता नहीं नाबोआ कब तक आएगा यार। यहाँ से भी अभी 90 किलोमीटर बता रहा है। आगे वाली सीट खाली होती है ना, मैं आगे वाली सीट पे आके बैठ गया, लेकिन आगे वाली सीट से जो घूमने का मजा आता है ना भाई। ये देखो यहाँ पे गांव वगैरह सब देखने को मिलेंगे। काफी सारे ऐसे छोटे छोटे टाउन आ चुके हैं वैसे रास्ते में, ये देखो यहाँ पे टैक्सी वगैरह। और ये देखो यहाँ की बोड़ा बोड़ा के नंबर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सामने एक भी बोड़ा बोड़ा, ये वो एक वाला है तो वो टेढ़ा लगा रखा है, और ये दो बोड़ा बोड़ा इनके नंबर नहीं है, वो पीछे वाली है मुझे नहीं लगता उनके भी नंबर होगा। यहाँ पे बोड़ा बोड़ा का यही सीन है भाई, कोई किसी के टक्कर मार के चल दे तो किसी को कोई अता पता नहीं चले कौन टक्कर मार के गया। उधर भाई लोग म्यूजिक चला रहे हैं, वो देखो सामने पता नहीं क्या कर म्यूजिक चला रहे हैं। गाइज पूरे के पूरे 5.5 घंटे के सफर के बाद फाइनली मैं पहुंच गया हूँ नाबोआ। नाबोआ अब मुझे यहाँ से जाना है बुगीजा गांव में। बुगीजा गांव यहाँ से लगभग 1 घंटे की बाइक राइडिंग है। 1 घंटे की बाइक राइडिंग करके हम लोग पहुंचेंगे बुगीजा। तो सबसे पहले तो आपको ये नाबोआ दिखा देता हूँ यार। भाई इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना भाई पूछो मत वीडियोज वगैरह बनाने के लिए, कुछ स्पेशल कंटेंट लाने के लिए। सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, जल्दी से 1 मिलियन पहुंचा दो यार। देखो 5.5 घंटे की जर्नी होकर के आया, अब अंदर जाऊंगा गांव में बुगीजा गांव में, बाइक की होगी 1 घंटे की राइड है। यह है नाबोआ सिटी, छोटा सा टाउन है नाबोआ, कोई खास ज्यादा बड़ा तो है नहीं। और इस भाई से मैंने पहले ही कांटेक्ट कर लिया था। हाई ब्रदर, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? मुगैया। ओ नाइस, नाइस टू मीट यू। अभी इस भाई के साथ मैं जाने वाला हूँ बुगीजा। वी आर गोइंग टू बुगीजा। या हाउ फार इज बुगीजा फ्रॉम हियर? 50 किलोमीटर। ओ माई गॉड भाई, यहाँ से 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है नाबोआ, वो सॉरी बुगीजा गांव, जहाँ पे वो बंदा है ना मूसा हसाया साहब है ना जहाँ पे, तो वहाँ 50 किलोमीटर बाइक से यार मैं सोच 50 किलोमीटर की बाइक राइड करते हुए हमें जाना पड़ेगा भाई साहब। 210 किलोमीटर यहाँ आया, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर और जाना है, फिर हम लोग मिलेंगे मूसा हसाया साहब से। चलो चलते हैं यार, अब आए मतलब आए हैं मिलने उससे भाई से, आप लोगों को दिखाने आया हूँ तो दिखा के जाऊँगा मैं, चलता हूँ और उस भाई का परिवार दिखाऊंगा कितना बड़ा। हालांकि आते वहाँ रहते आते बाहर रहते, वो तो वहीं चल के मालूम चलेगा। यहाँ पे टैक्सी मटाटो वगैरह, सिटी अच्छी, छोटा सा टाउन है। यहाँ पे शाम को रुकने के लिए तो कुछ होगा नहीं जुगाड़, मुझे कोई पास की बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा। और ये है इस भाई की बोड़ा बोड़ा बजाज, बजाज नहीं बॉक्सर, यहाँ पे बॉक्सर ही मिलेगी आप लोगों को। ये देखो भाई रोड है ना, यहीं से कच्चा रोड आ गया है, आगे का तो अता पता ही नहीं है कुछ को सिटी से। यहीं से इतना कच्चा रोड है, मुझे लगता है बुगीजा तक पूरा कच्चा रोड होगा। गांव वगैरह कुछ ऐसे है भाई साहब, आप लोग यहाँ के गांव वगैरह देख लो। यहाँ से मैं पेट्रोल वगैरह भरवाना, ये कहाँ ले आया भाई यार, यहाँ से भाई है ना कहीं से किसी घर से फ्यूल लाएगा पेट्रोल वगैरह लाएगा। ये पता नहीं कौन से गांव में आके पहुंच गया अभी यार, पता नहीं कितना अंदर जाना पड़ेगा। अनाज वगैरह सुखा रहे हैं यार ये लोग। और ये है यहाँ की विलेज लाइफ कुछ ऐसी है। देखो फैंटा की यहाँ पे कांच की बोतल इतनी बड़ी बड़ी आती है, अपने तो वो छोटी बोतल आती है, बड़ी वाली बोतल है ना जो केवल प्लास्टिक की आती है। ये देखना है धीरे धीरे ना पूरा गांव इकट्ठा हो जाना है ऐसे लगता है, थोड़ी देर और रुके तो यहाँ पे तो ये देखो ये इधर इकट्ठे हो गए थोड़ी देर में पूरा गांव इकट्ठा हो जाना है यहाँ पे, निकलते हैं अभी यहाँ से, लेट्स गो।
ये छोटे छोटे गांव ऐसे छोटी छोटी डांडियां होती है, इनके गांवों के घर कुछ ऐसे होते हैं, आप लोग भी देख लो यार। मैंने सारा रास्ते की जर्नी भी दिखाता ही चलता हूँ आप लोगों को कि देखो कैसे घर है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस मिट्टी के घर। ये देखो भाई यहाँ पे जुन्नू मुन्नू है ना, ये तालाब में नहा रहे हैं। देखो ऐसी आपको बहुत सारी रूरल लाइफ देखने को मिलेगी यहाँ पे। पूरे के पूरे लगभग 7-7.5 घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुंच गया हूँ ईस्टर्न युगांडा के बुगीजा गांव में, जो कि है बुटलेजा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा मैं मिलने आया हूँ मूसा हसाया कसेरा से। उस बंदे का पूरा नाम है मूसा हसाया कसेरा। तो उस बंदे के 12 बीवियां हैं, 102 बच्चे हैं और 578 पोते पोतियां हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है। अब आप लोग सोच रहे हो भाई ये मजाक क्यों कर रहा है, भाई ये कोई मजाक है यार। फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना था ना इसके बारे में, तब मुझे भी मजाक लगा था। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को ये जो पूरा साम्राज्य दिख रहा है, ये देखो ये पूरा साम्राज्य, ये है मूसा हसाया कसेरा का। तो आप लोगों को इस साम्राज्य के राजा से मिलवाने लेके चल रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे ये मूसा हसाया कसेरा की पूरी पब्लिक यहाँ पे बैठी है, सारे के सारे बच्चे। आप लोगों को सारे बच्चे यहाँ नहीं मिलेंगे। फैमिली के कुछ मेंबर है जो काम धंधे के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, कुछ है जो स्कूल गए हुए हैं बच्चे, कुछ है जो खेतों में काम करने गए हुए हैं, कुछ और काम धंधे से बाहर गए हुए हैं। यदि सुबह जल्दी आते हैं तो ये सारी फैमिली के मेंबर एक जगह मिल सकते हैं। मैं अभी दोपहर में आया तो इस टाइम पे मिलना सभी लोगों का पॉसिबल नहीं है। इसके जो बच्चों की उम्र है वो है अभी 10 साल से लेके 50 साल तक की। जो मूसा हसाया कसेरा है ना उसकी उम्र है अभी 68 ईयर्स, 68 साल। 68 साल में इसने भाई साहब लगभग ऑलमोस्ट 700 ही हो गए, 12 बीवियां हो गई, 102 बच्चे हो गए और 578 पोते पोतियां। तो ऑलमोस्ट लगभग 700 लोगों का परिवार खड़ा कर दिया। इतने लोगों में तो हमारे एक सरपंच ना वोट जीत जाता है भाई साहब। पूरे के पूरे गांव का पॉपुलेशन नहीं होता इतना जितना मूसा हसाया कसेरा का परिवार का पॉपुलेशन है। ये दुनिया का सबसे बिगेस्ट फैमिली है। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ मूसा हसाया कसेरा के पास। हाय मूसा ब्रदर, हाउ आर यू? यू आर ऑल राइट? आई एम फीलिंग सो मेनी थिंग्स। सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, 68 इयर्स ओल्ड, बट स्टिल यू आर लुकिंग वेरी यंग मैन। यू आर वेरी यंग? नो, यू आर यंग, यू आर ओल्ड मैन। तो भाई साहब मूसा हसाया कसेरा है, मैं इससे बैठ के बातें चीतें कर रहा हूँ, ये भाई मुझे यहाँ पे लेके आया है। ब्रदर, डू यू नो योर ऑल चिल्ड्रंस नेम? नो, व्हेन आई डोंट हैव रजिस्टर आई नेवर रिमेम्बर ऑल ऑफ द नेम। यू नेवर रिमेम्बर ऑल ऑफ द नेम? बट व्हेन आई यूज द रजिस्टर। You seen register? When I am looking, you only get just before you know them. मतलब भाई ये बोल रहा है कि मैं पूरे बच्चों के नाम भी नहीं जानता, जो पहले सबसे बड़े हैं और सबसे छोटे हैं ना उनमें से कुछ कुछ बच्चों का नाम मुझे याद है, बाकी मैं रजिस्टर लेके बैठता हूँ फिर उनके नाम देखता हूँ। हाँ भाई ये रजिस्टर में नाम नोट कर रखे हैं भाई ने सारे बच्चों के। ओके, सो यू नेवर वेंट स्कूल कॉलेज? यू नेवर वेंट? Me? Yeah. Myself? Yeah, he went to school, right? Okay. Which class? Up to primary, 6th. 6th class? Yeah. Up to 6th class. So, bhai, Musa Kasera hai na, 6th class tak padha hua hai. So, what do you do nowadays? No work. So you just stay at home only. Okay. You have land also? Land. No, I don't have. No land. I don't have. Okay. I have very little land from there up to there. Okay. You have only this land, right? This is small land.
पहले मूसा भाई से बातचीत के बातें कर लूं, फिर आप लोगों को ना थोड़ा सा घुमाऊंगा फिरूंगा। इसके ना सारे घर वगैरह आसपास जो दिख रहे ना इसी के हैं। सो हाउ मेनी वाइफ्स डू यू हैव नाउ? 10 वाइफ्स। 10 वाइफ्स, बट आई हर्ड दैट यू हैव 12 वाइफ्स। वाज इट 12? या द अदर वन हैज गॉन। टू हैज गॉन? एह, बट व्हेन आई एम एम्प्टी। ओके। व्हेन आई डोंट हैव सर्विस फॉर देम। Okay, okay, okay. Yeah. Okay, okay. Now they are remain 10. Okay, now you have 10 wives. Two wives left you. Yes. Okay, okay. तो बात ऐसी है, 12 बीवियां थी, उनमें से 2 बीवियां छोड़ के चली गई है। मुसा असाया भैया बोल रहे हैं कि वो ना नहीं चाहती थी इतने भीड़ भड़ाके वाले में, या मुझसे प्यार नहीं करती थी। बाकी जो 10 रुके ना, वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। तो ऐसी कुछ कहानी है भाई मुसा असाया कसेरा भाई की। सो भाई मतलब मानना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी यार बंदे की। मतलब 700 लोगों का परिवार खड़ा कर दिया भाई ने, क्या कहते हो आप लोग? एक पहली बार सुनने से तो मजाक लगता है, लेकिन यहाँ पे आने की बात। बच्चे देख रहे हैं आप, बाकी बच्चे अभी स्कूल गए हैं, कुछ है जो खेतों में गए हुए हैं, कुछ है जो है मार्केट वगैरह कुछ सामान वगैरह लेने गए हुए हैं। आप लोगों को यकीन नहीं हो ना तो भले गूगल करके देख लेना आप, मुसा हसाया कसेरा युगांडा, बस इतना डालना है आप लोगों को, आप लोगों को सारी चीजें आ जाएगी गूगल में भाई के बारे में। यू हैव गुड स्टेमिना। जस्ट किडिंग ब्रदर, जस्ट किडिंग। ये देखो सारे के सारे, ये जनता है ना भाई, इसी की फैमिली है। ये सारे के सारे बच्चे हैं ना, सारे के सारे, कुछ बच्चे हैं, कुछ पोते पोतियां हैं इसके, कुछ ऐसा यहाँ का सीन है। लेकिन एक अच्छी बात है, कपड़े ना भाई ने सबको पहना रखे हैं। ये यहाँ पे सो गया, ही स्लीपिंग, ओके सो गया। तो भाई बातें चीतें काफी हो गई, अब थोड़ा सा मूसा असाया कसेरा की जो बीवियां वगैरह क्या कर रही है वो सारी हलचल दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो ये यहाँ पे कंदमूल वगैरह ये यहीं से लेके आते हैं शायद, क्या बोलते हैं इसके यार मुझे नहीं पता। ये सारे के सारे खाना पीना शाम का जुगाड़ कर रहे हैं अपने अपने खाने पीने का। ये बीवियां हैं इनकी, कुछ बच्चियां हैं, कुछ बीवियां भी हैं। वो देखो सारी की सारी जनता उधर खड़ी है। और ये चिंगू मिंगू, ये देखो ये घर है, योर चिल्ड्रंस हाउस। तो भाई यहाँ पे देखो मूसा असाया कसेरा के घर वगैरह कुछ ऐसे हैं, कुछ इनकी बीवियों के घर हैं, कुछ इनके बच्चों के घर हैं, कुछ इनके ग्रैंड चिल्ड्रन के घर हैं। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये तो खाली पड़ा है, इसमें तो मुर्गे वगैरह हैं। ये इधर भी देखो भाई साहब, यहाँ पे थोड़ी बहुत लैंड है इसकी, है ना, थोड़ी बहुत कुछ घर वगैरह लैंड वगैरह यहाँ पे बना रखे। दिस इज योर लैंड? यस। ओके, ये जो सामने लैंड दिख रही है ना, ये मूसा भाई की है। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गए यहाँ पे, बहुत सारे लोग पता है केवल इसके फैमिली को देखने आते हैं कि आखिरकार मूसा असाया कसेरा की कहानी क्या है। मैक्सिमम लोग तो इसके घर फैमिली को ही देखने आते हैं, काफी लोग आते हैं। अभी यहाँ से एक गाड़ी गई है तो वो लोग ना इसको कुछ हेल्प वगैरह करके जाते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है काफी। अभी मैं भी हेल्प करके जाऊंगा। सोचो 700 लोगों का परिवार। ये देखो सारे के सही छोटे छोटे बच्चे है ना, ये सारे पोते पोती हैं इसके। और वो सामने अभी मैं वहां बैठा था, वो देखो सामने वहां पे बैठा था अभी मैं, वो सारी फैमिली वहीं पे इकट्ठी हो रखी है अभी। अभी तो फैमिली कुछ भी नहीं है, कोई खेतों में गया हुआ है, कोई कहाँ गया हुआ है, कोई कहाँ गया हुआ है। आपको विश्वास नहीं होना तो एक बार गूगल कर लेना भाई के बारे में, आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। और ये देखो ये सारे के सारे घर ना इधर से स्टार्ट होते हैं, ये सारा का सारा मूसा भाई का साम्राज्य है। वो देखो वो आगे भी जो घर है ना वो भी मूसा भाई के हैं, ये इधर ये घर है ये भी मूसा भाई के हैं। इसके पास टोटल जमीन है ना वो है 2 एकड़। सारा का सारा परिवार वहीं पे इकट्ठा हो रखा है, यहाँ तो खाली पड़े हैं। ये देखो यहाँ पे हेडपम्प वगैरह लगा रखा है मूसा भाई ने यहाँ पे, ये देखो ये हेडपम्प वगैरह लगा रखा है पानी वगैरह के लिए। ये इनकी बीवियों के कपड़े, बच्चों के कपड़े वगैरह सूख रहे हैं यहाँ पे, कुछ खाली पड़े हैं, कुछ कुछ के ताले लगे हैं, कुछ कुछ में लोग रहते हैं, कुछ कुछ में नहीं भी रहते। शायद जो बीवियाँ छोड़ के चली गई उनके घर खाली पड़े हैं यहाँ पे। अरे यार इधर भी चिंगू मिंगू बैठे हैं भाई, मैं सोच रहा था उधर ही है सारे के सारे, इधर भी काफी लोग बैठे हैं, कुछ सो रहे हैं अंदर घरों में। सही बता रहा हूँ, इतना शौक हो गया था मैं एक बार इसके भाई के बारे में सुन के ना, मैं सोचा यार उस बंदे को तो देखना बनता है, मैं देख के आऊंगा उसको, जरूर देख के आऊंगा। तो पता है मैं कितने यार 7 घंटे की जर्नी, मतलब 7 घंटे का सफर तय करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये देखो ये छोटे छोटे घर वगैरह, इधर क्या भिंडी लगा रखी है शायद, पता नहीं भिंडी ओकरा वगैरह कुछ है या कुछ और है। ज्यादा लैंड नहीं है भाई के पास, छोटी सी लैंड है, 2 एकड़ लैंड बता रहा है मेरे को कि 2 एकड़ लैंड है इसके पास पूरी, ठीक है। फिर भी
her children's house. Your children's house? Yes. Okay, very good. Yeah. Oh wow, very good brother. यहाँ पे देखो कुछ duck वगैरह, बतख वगैरह, ये कुछ चिंगू मिंगू तो हमारे पीछे ही हो लिए। अच्छा है भाई। मूसा भाई का पूरा साम्राज्य घूमने के बाद वापस चलते हैं इसकी सेना की तरफ। अब हम लोग, आप लोगों को एक बात और बता दूं, युगांडा की जो लेडीज है ना, मतलब इनकी बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है ना, पूछो मत। मोस्ट फर्टाइल लेडी है ना दुनिया की, वो भी युगांडा में ही है। आप लोगों को एक वीडियो या तो आ गया होगा या इसके बाद आएगा, उस लेडीज ने, अकेली लेडीज ने 44 बच्चे जन्म दिए हैं। अब आप सोचो, 44 बच्चों को जन्म दिया था, उसमें से 38 बच्चे उसके जिंदा हैं। यूनिक यूनिक चीजें देखने को मिलेगी आप लोगों को युगांडा में। इसको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, बाकी उतनी ज्यादा इंग्लिश आती नहीं है भाई को। ये देखो यहाँ पे सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इन्हें लड़ाई हो रही है कपड़ों को लेके, कपड़ों को लेके लड़ने लग गए ये लोग। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये सारे के सारे। ये देखो ये लो, सारे के सारे लोग खड़े हो गए। मैं जा रहा था तो मैंने सोचा एक बार यार आप लोग सारे एक जगह खड़े हो गए, मैं जा रहा था तो इन्होंने बोला कि हम लोग सारे खड़े हो जाते हैं, यदि आप लोगों को कुछ वीडियो एक साथ बनाना है तो बना लो। मैंने बोला ठीक है यार। मूसा भाई के बारे में आप लोगों को बता दूं, मूसा भाई कोई काम धंधा नहीं करते हैं, कोई काम धंधा नहीं है। यहाँ पे जो इसकी जमीन है उसी में खेतीबाड़ी करता है, और कुछ बाहर से लोग आते हैं वो हेल्प कर देते हैं, उसी से काम धंधा चलता है, सब उसी से गुजारा चलता है। इसके बच्चे भी है जो कुछ काम धंधा करने लग गए, अब तो 50-50 साल के बच्चे हो गए ना। मूसा भाई की उम्र ही 68 साल हो गई, बच्चे है जो कुछ कुछ 50-50 साल के भी हो गए, वो बाहर गए हुए अभी सारे के सारे। तो कुछ ये थी कहानी। देखो भाई मूसा भाई को पैसे दिए, मूसा भाई राजी हो गया। हैप्पी ओके मूसा ब्रदर, बाय बाय, सी यू अगेन। सो गाइज, ये थी मूसा हसाया कसेरा की कहानी, दुनिया के सबसे बड़े परिवार की कहानी। मतलब भाई की हिम्मत देखो यार, 700 लोगों का परिवार खड़ा कर दिया। मतलब कोई अपने तो 7 लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। शाम को यहाँ पे भंडारा चलता होगा, जब खाना वाना बनता होगा ना तो भंडारा चलता होगा यहाँ पे, बहुत जबरदस्त वाला, सारे के सारे यहाँ बैठ जाते होंगे, भंडारा लगाते होंगे। तो ये थी इसकी कहानी, मैंने सोचा यार बताऊं, वहां जाऊंगा जरूर। तो आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों की क्या राय है मूसा हसाया खसेरा ये परिवार के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।